बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं। मेरा नाम अरसलान महमूद है और मैं एज़ लेक्चरर इन इंग्लिश हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में पिछले 5 सालों से काम कर रहा हूं। आज की ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को लेक्चरर की जॉब के हवाले से गाइड करना है। अभी हाल ही में लेक्चरर की जॉब्स अनाउंस हुई हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा। एक तो लेक्चरर की जो जॉब है ये किस नौइयत की है और कितनी सीट्स जो हैं वो वैकेंट हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट की, इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो क्या है, आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपने ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है। और इससे पहले आप ये मेरा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊंगा वो आपको टाइमली मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले आपने ये देख लेना है कि आप ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वेबसाइट है आप इससे बिल्कुल फेमिलियर हो जाएं, क्योंकि सिलेक्शन होने तक आपको इस वेबसाइट पे बहुत सारा काम करना पड़ेगा। जितना भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होगी, डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो सारे आप इस वेबसाइट पे ही आपको मिलेंगे। आप अप्लाई भी इसी वेबसाइट के थ्रू करेंगे। और सबसे पहले आपने देख लेना है कि आपने गूगल में पब्लिक सर्विस कमीशन या PPSC लिखेंगे तब भी ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। लेकिन आप बेहतर ये है कि आप यहाँ पे कंप्लीट जो वेबसाइट का एड्रेस है सर्च में वो लिखें www.ppsc.gop.pk। जब ये आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो इस तरह का जो पेज है वो आपके सामने आ जाएगा स्क्रीन पे। अच्छा जी, तो लेक्चरर की जो जॉब्स हैं उनका हमने देखना है। सबसे पहले जो ऐड दिया गया है ये यहाँ पे जॉब्स आपको नज़र आ रहा होगा, जॉब्स का ऑप्शन है बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे सेकंड पे, और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर 24 जो है यही लेक्चरर की जॉब्स का ऐड है। आप इसको क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। मैंने डाउनलोड किया हुआ है ऑलरेडी, तो ये जनाब ऐड जो है वो डाउनलोड हो के ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर। अब हम इसमें देख लेते हैं जी ये किस नौइयत की, कितने ग्रेड की जॉब्स हैं और किस सब्जेक्ट में कौन कौन सी कितनी पोस्ट जो हैं वो वैकेंट हैं। जी तो ये जनाब पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जॉब्स हैं और रिक्रूटमेंट जो होगी वो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होगी। लेक्चरर की जॉब्स हैं जी फीमेल की और ये BS 17 यानी बेसिक पे स्केल 17 की जॉब है, 17 ग्रेड की। और जो एक बहुत अच्छी बात है वो ये है कि ये रेगुलर बेसिस पे जॉब्स होंगी। 2015 से पहले जितनी भी रिक्रूटमेंट्स होती थी लेक्चरर्स की वो कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पे होती थी, लेकिन 2015 का जो बैच था वो फर्स्ट बैच था जिसमें रेगुलर रिक्रूटमेंट हुई है, यानी किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। उससे पहले 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता था। तो मेरा भी जो बैच है वो 2015 का है और हमारा वो बैच फर्स्ट बैच था जिसमें रेगुलर बेसिस पे लोगों को अपॉइंट किया गया। तो ये अच्छी खबर है आपके लिए कि ये रेगुलर बेसिस पे आपकी रिक्रूटमेंट होगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो वैकेंट पोस्ट हैं फीमेल लेक्चरर्स के लिए वो क्या है, फिर हम मेल की जो पोस्ट हैं वो देख लेंगे। ये स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रहा होगा लेकिन मेरे हाल में मैं पढ़ देता हूँ इसको ताकि बेहतर आपको समझ आ जाए। अरेबिक की जो हैं वो ओपन मेरिट की सिर्फ मैं पोस्ट पढ़ूंगा। अरेबिक की 13 पोस्ट हैं, बायोलॉजी की 47, बॉटनी की 15 हैं, केमिस्ट्री की 92 हैं, कॉमर्स की 15 हैं, कंप्यूटर साइंस की 56 हैं, इकोनॉमिक्स की 65, एजुकेशन में 74 पोस्ट हैं और सबसे ज़्यादा जो पोस्ट हैं वो मेरे सब्जेक्ट की हैं इंग्लिश की 184 पोस्ट हैं फीमेल की, फाइन आर्ट्स की 6, जियोग्राफी की 19, हिस्ट्री की 24, होम इकोनॉमिक्स की 70, इस्लामियात की 78 हैं। इस्लामियात में वैसे जो है कंपटीशन बहुत टफ होता है क्योंकि कैंडिडेट्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। जर्नलिज्म में 6, लाइब्रेरी साइंस में 15, मैथमेटिक्स में 74, पार्क स्टडीज 10 पोस्ट हैं, पर्शियन की फारसी की 10 हैं, फिलासफ़ी 3 पोस्ट हैं, फिज़िकल एजुकेशन की भी 92 पोस्ट हैं, अच्छी खासी तादाद है। फिज़िक्स की 74, पॉलिटिकल साइंस की 47, साइकोलॉजी की 56 पोस्ट हैं, इसके अलावा पंजाबी की जनाब हैं 20, सराइकी की 7 हैं,
सोशल वर्क की 10, सोशियोलॉजी की 19, स्टैटिस्टिक की 47, उर्दू की 84 और जूलॉजी की 15 पोस्ट हैं। ये मैंने सिर्फ ओपन मेरिट की पोस्ट आपको बताई हैं। अगर कोई माइनॉरिटीज़ की या स्पेशल पर्सन जो हैं, जिन्हें डिसेबल पर्सन पहले लिखा जाता था लेकिन अब स्पेशल पर्सन लिखा जाता है, उनकी पोस्ट देखना चाहते हैं तो वो भी आपको इसी एड में मिल जाएगी डिटेल। अच्छा जी, अब हम लेक्चरर मेल की पोस्ट देख लेते हैं। ये भी BS 17 की हैं, रेगुलर बेसिस पे हैं। अरबी की 8 हैं, बायोलॉजी की 19, बॉटनी की 8, केमिस्ट्री 84, कॉमर्स की 29, कंप्यूटर साइंस 37, इकोनॉमिक्स की 47 हैं, एजुकेशन की 37 और इंग्लिश की अगेन 121। 2015 में हमारे बैच में उस वक्त 86 पोस्ट थी टोटल, अभी 121 हैं, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है इंग्लिश वालों के लिए। ज्योग्राफी की 18, हिस्ट्री की 24, इस्लामियात की 49, जर्नलिज्म की 5, लाइब्रेरी साइंस की 5, मैथमेटिक्स की 92, पाक स्टडी की 7, पर्शियन यानी फारसी की 5 हैं, फिलॉसफी 3, फिज़िकल एजुकेशन में मेल की जो हैं वो 47 हैं, फिज़िक्स की 70, पॉलिटिकल साइंस की 29, साइकोलॉजी की 19, पंजाबी 10, सराय की 5, सोशल वर्क 5, उसके बाद सोशियोलॉजी की 15, स्टैटिस्टिक्स की 56, उर्दू की 92 हैं और जूलॉजी की 12 पोस्ट हैं। अब इन पोस्ट के लिए एलिजिबल कौन है? मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है ये आप राइट साइड पे देख सकते हैं ऐड के, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो मास्टर्स डिग्री एटलीस्ट सेकंड डिवीजन, यानी आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, सेकंड डिवीजन एटलीस्ट होनी चाहिए। अगर आप लेक्चरर की जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी MA, MSc या BS में सेकेंड डिवीज़न होना, 45% मार्क्स होना ज़रूरी है। एक स्पेशल केस है, वो कौन सा? प्रोवाइडेड दैट फॉर द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश MA थर्ड डिवीज़न विद डिप्लोमा इंग्लिश फ्रॉम अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी विल आल्सो बी एलिजिबल। एक शर्त ये है कि अगर जो लोग इंग्लिश में अप्लाई करेंगे, जिन्होंने MA इंग्लिश किया हुआ है, अगर उनकी थर्ड डिवीज़न है, यानी वो सेकंड डिवीज़न उनकी नहीं है मास्टर्स में, तो उनके पास एक ऑप्शन और होगा। अगर उन्होंने अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से टैफल का जो डिप्लोमा होता है एक साल का, अगर उन्होंने वो किया हुआ है, तो वो लोग भी लेक्चरर की इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। अच्छा, अब जनाब हम देख लेते हैं कि एज की लिमिट क्या है, किस एज के लोग लेक्चरर की इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल्स के लिए जो एज है, वैसे तो मिनिमम 21 एज होना ज़रूरी है और मैक्सिमम 28 है, लेकिन इसमें 8 इयर्स जनरल रिलैक्सेशन है जो सबको मिलनी है, तो 28 प्लस 8 ये 36 इयर्स बनते हैं। 36 साल जो है वो मैक्सिमम एज हो सकती है, लेकिन ये एज अप्लाई करने वाली डेट तक हो। उसके बाद जनाब, यानी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है ना, उस डेट पे आपकी एज 36 इयर्स या उससे कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मेल की जो एज है वो 28 मैक्सिमम थी, वैसे 21 मिनिमम एज है, 28 में आप 5 साल की जो जनरल रिलैक्सेशन है वो भी है, तो ये 33 इयर्स बन जाते हैं, यानी 33 साल अगर आपकी एज है या इससे कम, तो आप लेक्चरर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मेल हजरात जो हैं। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जो लोग गवर्नमेंट सर्विस में हैं, यानी वो गवर्नमेंट सर्विस ऑलरेडी कर रहे हैं, तो जिस एज में वो गवर्नमेंट सर्विस में आए थे उनकी वहीं से एज देखी जाएगी, तो उनके लिए ये एज लिमिट जो है वो नहीं होगी। अगर वो 33 साल से पहले, मतलब मेल जो हैं, या 36 ईयर से पहले फीमेल जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब में आ गई थी, तो वो अभी एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो ऐड में दी गई है वो है जेंडर, मेल या फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, दोनों के लिए वैकेंट पोस्ट हैं। डोमिसाइल और प्लेस ऑफ पोस्टिंग, डोमिसाइल आपका पंजाब का होना चाहिए। कुछ लोग जो हैं वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के हैं, लेकिन वो पंजाब में रह रहे हैं और पंजाब का डोमिसाइल भी उनके पास मौजूद है, तो वो भी एलिजिबल हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं।
और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात, ऐसी फीमेल्स जो कि किसी और सूबे से ताल्लुक़ रखती थी लेकिन उनकी शादी जो है वो पंजाब में हुई है, तो वो अपने हस्बैंड के डोमिसाइल पे अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन उसका फिर उन्हें निकाहनामा का जो है वो सबूत वहाँ पे, निकाहनामा जो है वो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू उन्हें वहाँ पे दिखाना होगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग, यानी जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं लेक्चर के तौर पे तो आपको कहाँ पोस्ट किया जाएगा, एनीवेयर इन द पंजाब, पंजाब में कहीं भी आपको पोस्ट किया जा सकता है। ये पंजाब लेवल की जॉब्स हैं पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो पूरे पंजाब से लोग अप्लाई करेंगे और आपकी पोस्टिंग भी पूरे पंजाब में किसी भी सिटी में किसी भी कॉलेज में हो सकती है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि जब पोस्ट किया जाता है आपको, जब आपको ऑर्डर्स दिए जाते हैं सिलेक्शन के बाद, तो आपसे आपकी विलिंगनेस ली जाती है, आपसे आपकी चॉइस पूछी जाती है। अगर आपके अपने एरिया में किसी कॉलेज में आपके सब्जेक्ट की सीट वैकेंट हो तो वो आपको वहीं पे भेजेंगे। जैसे मेरे लिए था कि मेरे अपने सिटी में गुजरहान में सीट जो है वो वैकेंट थी, तो जब मुझसे पूछा गया कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो मैंने अपने सिटी का नाम लिया, उन्होंने चेक किया, वैकेंट पोस्ट मौजूद थी, तो उन्होंने मुझे गुजरहान में ही पोस्ट किया और वहीं पे मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ। उसके बाद जी सिलेबस क्या होगा रिटर्न एग्जामिनेशन का, सबसे पहले आप ये याद रखें कि जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है उसमें आपका एक रिटर्न टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। रिटर्न टेस्ट जो है वो 1 पेपर ऑफ MCQ टाइप, रिटर्न टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स एंड 90 मिनट्स ड्यूरेशन। 100 मार्क्स का ये टेस्ट होगा, 90 मिनट यानी 1.5 घंटा आपके पास होगा। और सिलेबस इज़ एज अंडर, सिलेबस क्या है जी, क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस 80%, यानी 80% जो पेपर का हिस्सा होगा, MCQs होंगे 80 MCQs, वो आपके अपने सब्जेक्ट से ही होंगे। और अगर आपकी सब्जेक्ट पे ग्रिप अच्छी है तो आप यहाँ से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे 20% मार्क्स जो हैं वो आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पे होंगे। 2015 में आई थिंक उस वक्त 10% था, 5 or 10% था करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज का जो पोर्शन था, लेकिन अभी ये बढ़ गया है, अब ये 20% है। तो जनरल नॉलेज आपका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है और करंट अफेयर्स के हवाले से भी आपकी इन्फॉर्मेशन अच्छी होनी चाहिए। ये 20% मार्क्स को आपने बिल्कुल भी जो है वो इग्नोर नहीं करना, आपने इनकी तैयारी भी अच्छे तरीके से करनी है। तो ये हो गया जी लेक्चरर की जॉब का एड। अच्छा जी, ऐड हमने देख लिया, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो इक्विवेलेंस ऑफ क्वालिफिकेशन है, यानी कि आपकी कौन सी डिग्री आपको किस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल बना रही है। तो ये इक्विवेलेंस की डिटेल जो है वो यहीं पे इसी वेबसाइट में, यहाँ पे ये हाइलाइट्स लिखा हुआ है, इसमें फर्स्ट नंबर पे इक्विवेलेंस ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर्स, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, तो ये इक्विवेलेंस जो है वो आपकी डाउनलोड हो जाएगा। ये एक डॉक्यूमेंट, इस पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो डिग्री है वो किस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए आपको एलिजिबल बनाती है। ये काफ़ी डिटेल्स हैं, तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा अगर मैं सारों को पढ़ूं तो यहाँ से ही आप ख़ुद इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन से भी ओपन करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट और हाइलाइट्स में इक्विवेलेंस ऑफ क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट मौजूद है, इसको भी लाजमी चेक करें। उसके बाद जी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो, अब आपने अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई कर आपका जो है वो सारा ऑनलाइन प्रोसेस होगा, आपको हार्ड कॉपी कहीं भी नहीं भेजनी, आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे वो सारे आपको इंटरव्यू के टाइम आपको प्रोवाइड करने होंगे। अप्लाई करने के लिए सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है आपका चालान बैंक में जमा कराना। चालान कहाँ से आएगा, इसी वेबसाइट से, ये डाउनलोड्स का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा लेफ़्ट साइड पे, जहाँ पे जॉब्स है, जॉब के नीचे जहाँ से आपने ऐड देखा था उससे नीचे डाउनलोड्स का ऑप्शन है और फर्स्ट पे इसमें चालान फॉर्म लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो चालान फॉर्म आ जाएगा। चालान फॉर्म मैंने डाउनलोड किया है आपके लिए, ये आ गया जी चालान फॉर्म। इसको फिल कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी इसमें जो है वो डिटेल्स हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट कॉलम है इसमें
नेम ऑफ़ द कैंडिडेट है, यहाँ पे आपने अपना नाम लिख देना है, फादर नेम भी लिखते हैं ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद ये जो थर्ड कॉलम है, सेकंड में आपने कुछ नहीं लिखना, थर्ड कॉलम में आपने लिखना है कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे आपने लेक्चरर इन जो भी सब्जेक्ट है आपका, लेक्चरर इन इंग्लिश है, लेक्चरर इन फिज़िक्स है, लेक्चरर इन पर्शियन है, जो भी है वो आपने लिखना है। उसके बाद केस नंबर, केस नंबर आपको देखना होगा आप एड से, आप एड पे जाएं और देखें आपके सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे अरेबिक है तो इसके साथ केस नंबर लिखा हुआ है 1RB2020। ये केस नंबर जो है आपकी जो भी मुतलका पोस्ट है उसका केस नंबर आपने अपने चालान फॉर्म पे यहाँ पे केस नंबर में थर्ड कॉलम के बिल्कुल बॉटम में यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद है कि जी अमाउंट कितनी है, तो ये 600 फ़ी है टेस्ट के लिए, अप्लाई करने के लिए 600 आपने यहाँ पे लिखना है। और नीचे पे सिग्नेचर्स कर देने हैं और इन वर्ड्स भी इसी को लिख देना है, और ये तीनों चालान इसी तरह फिल करेंगे और ये आपने जमा कराना होगा नेशनल बैंक में। नेशनल बैंक में चालान जमा कराएंगे, सबसे पहले आपने ये काम कर लेना है चालान डाउनलोड करके, अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप खुद प्रिंट कर लें, वरना किसी भी कंप्यूटर वाली प्रिंटिंग वाली शॉप में जाएं, उनसे ये ले लें चालान की कॉपी, चालान के तीनों जो हिस्से हैं इनको फिल कर लें, तीनों कॉपीज़ को फिल कर लें, नेशनल बैंक में इसको जमा कराना है आपने। और नेशनल बैंक वाले आपको जो ओरिजिनल जो इसकी ये वाली कॉपी है फर्स्ट वाली, ये देंगे और यहाँ पे अच्छा इसके बिल्कुल लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे बैंक रिसीट नंबर, यहाँ पे वो एक रिसीट नंबर भी लिख देंगे, वो नंबर आपको अपनी एप्लीकेशन में लिखना होगा। और ये वाली जो कॉपी आप वापस लाएंगे चलान की, ये आपने स्कैन करके या उसकी पिक्चर लेके इसको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना होगा ऑनलाइन फॉर्म में। तो इस चलान को आपने बहुत संभालना है, ये आपके टेस्ट और इंटरव्यू के टाइम भी आपसे मांगा जाएगा, ठीक है जी। तो ये चालान आपने सबसे पहले जमा करा लेना है, चालान जमा कराने के बाद आपको जनाब ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। लेकिन ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है उसकी कंप्लीट डिटेल मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वाली वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। ये अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, यहाँ से हम अप्लाई करेंगे। आपने करना क्या है, आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको लाजमी नहीं है कि आप के पास कंप्यूटर हो या स्कैनर हो, या लाजमी नहीं है कि आप किसी शॉप पे जाएं या किसी को पैसे देके आप अप्लाई करें, आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। कैसे करना है, कौन सी चीज़ें आपको जो हैं वो चाहिए होंगी स्कैंड फॉर्म में, एक तो आपको अपना चालान फॉर्म जो भी मैंने बताया ये आपको चाहिए होगा, इसकी आपने लेनी है एक अच्छी सी साफ सी पिक्चर। उसके बाद आपकी अपनी एक पिक्चर आपको ज़रूरत होगी ब्लू बैकग्राउंड के साथ, जो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर जिसको कहते हैं, वो आप के पास अगर मौजूद है तो वो आप पिक्चर को सामने रख के उसी से पिक्चर ले सकते हैं मोबाइल फ़ोन के अंदर। अगर पिक्चर नहीं भी अवेलेबल तो बजाय इसके कि आप जाएं और पिक्चर बनवाएं, आप कोई भी ब्लू बैकग्राउंड रख के घर में कोई भी, और वहाँ पे पिक्चर आप एक अच्छी सी अपनी बना लें और उसी को आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये मैं आपको एक जुगाड़ी तरीका बता रहा हूँ। उसके बाद वैसे बेहतर है कि आपके पास आपकी एक पिक्चर मौजूद हो, होनी चाहिए। उसके बाद आपने आईडी कार्ड जो है आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड, उसकी दोनों तरफ से पिक्चर्स जो हैं वो बना लेनी है, क्लियर पिक्चर्स होनी चाहिए, बिल्कुल क्रॉप हुई हुई आईडी कार्ड के साइज़ के हवाले से उसके मुताबिक ये आपके पास मौजूद होंगी। तो फिर हम और चालान जो है वो जमा कराने के बाद आप अप्लाई कर सकेंगे, वो मैं कंप्लीट आपको प्रोसीजर बताऊंगा, कंप्लीट आपको गाइड करूंगा। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट जो मैं बताना भूल गया वो ये है कि ऐसे लोग जो कि गवर्नमेंट सर्विस में ऑलरेडी हैं, उन्होंने अपने डिपार्टमेंट से परमिशन लेके अप्लाई करना है, ये बहुत ज़रूरी बात है। वो अपनी एप्लीकेशन में भी मेंशन करेंगे कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं और वो थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करेंगे। उसके लिए आपको डिपार्टमेंट से परमिशन लिखने के लिए लेने के लिए कोई आप आपको ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने सिर्फ ये करना है कि ये डाउनलोड्स में जहाँ से चालान डाउनलोड किया है आप इसके नीचे देखेंगे डिपार्टमेंटल परमिशन, डिपार्टमेंटल परमिशन का जो है वो मैं देखता हूँ अगर तो इंटरनेट काम कर गया, हाँ जी ये डिपार्टमेंटल परमिशन का जो है
वो एक स्पेसिमेन एक सैंपल मौजूद है, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे। ये हो गया जी, इंटरनेट काम कर रहा है। अच्छा, तो ये इस तरह का फॉर्म होगा, इसको आप फिल करेंगे, इसमें सारे अपने पर्टिकुलर्स लिखेंगे। इसे अपने अगर आप स्कूल में फ़र्ज़ करते हैं काम कर रहे हैं तो आप अपने स्कूल से स्कूल के हेड से भी इसको साइन कराएंगे, और फिर अपनी जो कंपीटेंट अथॉरिटी है, जो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, उससे आपने ये NOC या डिपार्टमेंटल परमिशन लेनी है जी। तो आज की वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आई होंगी, बहुत सारे जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो एड्रेस हो गए होंगे। फिर भी अगर आप मज़ीद कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अप्लाई करने का कंप्लीट जो तरीका है ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने का, और चीज़ें जो आपने अटैच करनी है, जैसे आपने पिक्चर, ID कार्ड और चालान फॉर्म इसमें अटैच करना है, वो भी आपको बताऊंगा कैसे करनी है सारी चीज़ें, और कैसे उसको सबमिट करना है, एप्लीकेशन को एडिट करनी पड़े तो वो कहाँ से करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और साथ साथ कमिंग वीडियोस में मैं आपको तैयारी के जो टिप्स हैं वो भी दूंगा कि आप इसकी लेक्चर के टेस्ट की तैयारी कैसे कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, मैंने कैसे की थी, ये भी आपसे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा, मेरा टेस्ट कैसा था, मेरा इंटरव्यू कैसा हुआ। ये सारी चीज़ें मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर करूंगा अपनी वीडियोस में। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें, उन लोगों से शेयर करें जिनको हेल्प की ज़रूरत है, जिनको गाइडलाइन की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।